हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्गर वेज टू स्ट्रॉन्गर फ्यूचर। दिस इज दिवाकर मौर्य। आइए शुरू करते हैं स्टैटिस्टिक्स में आज अपना 21st लेक्चर, जिसमें आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी में हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम दो लेक्चर लगाएंगे और एक में करेंगे हम लोग नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तीन तरह की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास है, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ एक लेक्चर में कर देंगे। सर एक लेक्चर में? हाँ बिल्कुल एक लेक्चर में। आप देखना, यहां पे आपको इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक ही पेज पे मैंने आपको पूरा समराइज करके दे दिया। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी आज जानेंगे, प्रोबेबिलिटी कुछ डेफिनेशन है, कुछ कंसेप्ट आएंगे, वो हम लोग पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे किसकी, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी। चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। टेलीग्राम पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पे एक ग्रुप है कॉन्सेप्चुअल स्टडी के नेम से, आप उसे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको रेगुलर की नोटिफिकेशन मिल जाती है। ठीक है, तो आप वहां पे उसको जाके ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आपका आपकी वजह से या मेरी वजह से किसी का भला हो रहा है तो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन डे टू डे लाइफ वी ऑल मेक यूज ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी। हम लोग बात करते हैं प्रोबेबिलिटी, लगभग हम कहते हैं कि आज यार मौसम ना ऐसा है कि यार काले बादल हो रहे हैं, तो इसका मतलब शायद बारिश हो सकती है, आज चांसेस है बारिश होने के, हम लोग ऐसी बातें करते हैं, है ना, कि आज चांसेस, आज ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी है ये कि कहीं ना कहीं बारिश हुई है ना, चांसेस है कि बारिश कहीं ना कहीं हुई है और यहां पर भी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं, चांसेस बता रहे हैं हम लोग। ठीक है, बट जनरली पीपल हैव नो डेफिनेट आइडिया अबाउट द मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे क्या है, सभी को क्या है, प्रोबेबिलिटी का एग्जैक्ट मतलब नहीं पता है, कोई भी वहां पे हम लोग एग्जैक्ट चीज नहीं निकालते, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वी ओपन हियर अस ऑन पीपल अस फ्रेजेस लाइक प्रोबेबिलिटी इट मे रेन टूडे, है ना, तो हम लोग जनरली सुनते हैं कि आज शायद बारिश हो सकती है, इट इज लाइकली दैट अ पर्टिकुलर टीचर मे नॉट कम फॉर टेकिंग हिज क्लास टूडे, देर इज अ चांस दैट द पर्टिकुलर स्टूडेंट मे स्टैंड फर्स्ट इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, इट इज पॉसिबल दैट द पर्टिकुलर कंपनी में गेट द कॉन्ट्रैक्ट विच इट बिड लास्ट वीक। तो क्या हो सकता है, एक कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट में अपनी बिड लगाई, उसको क्या पता मिल जाए, तो इस तरह के हम लोग बहुत सारी जो है वो प्रिडिक्शन कर सकते हैं, या मतलब प्रिडिक्शन कह लो या कह लो, सिर्फ और सिर्फ एक आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आई शेल बी रिटर्निंग विद इन ए वीक, तो हम लोग कहते हैं हाँ भाई, हाँ लगभग हम लोग 20 तारीख तक घर पे आ जाएंगे। ठीक है, हम लोग 25 तारीख को यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे यात्रा करने जा रहे हैं, तो वहां पे 20 तारीख तक, 25 तारीख तक, 26 तारीख तक वापस आ जाएंगे, तो इस तरह के आइडिया लगाते हैं। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट ही मे नॉट बी एबल टू ज्वाइन हिज ड्यूटी इन ऑल द स्टेटमेंट, अब स्टेटमेंट जितनी भी है, द टर्म पॉसिबल, क्या वर्ड यूज हुए, पॉसिबल यूज हुआ है, प्रोबेबली यूज हुआ है, लाइकली यूज हुआ है, चांसेस की बात करेंगे एटसेट्रा, कन्वे द सेम मीनिंग, ये सारे क्या है, सेम मीनिंग कन्वे करते हैं कि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, ये चांसेस है, ये पॉसिबिलिटी है कि ऐसा ऐसा हो सकता है, द इवेंट्स आर नॉट सर्टेन, क्या है यहाँ पर सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे अनसर्टेनिटी है कि कुछ भी हो सकता है, बस हम प्रोबेबिलिटी ये लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स देयर इज एन एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी और चांस इन ऑल दीज केसेस, ए न्यूमेरिकल मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी इज प्रोवाइडेड बाय द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो हमारे पास कुछ तीन थ्योरीज है हमारे पास प्रोबेबिलिटी की, हम वो आगे करेंगे। द एम ऑफ द प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज टू प्रोवाइड ए मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का एम क्या होता है, कि हम लोग अनसर्टेनिटी को क्या कर सके, मेजर कर सके। द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी ओन्स इट्स ओरिजिन टू द स्टडी ऑफ गेम्स ऑफ चांस लाइक गेम्स ऑफ कार्ड्स, टॉसिंग कॉइंस, डाइस एक्सेट्रा, बट इन मॉडर्न टाइम्स इट हैज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम। शुरुआत में क्या होता है, जब प्रोबेबिलिटी की बारी है, तो अगर आपको याद हो तो हम लोग मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी करते थे, और वहां मेरे ना कार्ड्स के ऑप्शन आते थे, जब हम लोगों ने प्लस वन प्लस टू में प्रोबेबिलिटी करी या टेंथ में आपने थोड़ी बहुत प्रोबेबिलिटी करी, तो वहां पे ताश के पत्तों के क्वेश्चन अपने पास मतलब मेनली आया करते थे। लेकिन हम लोग उस टाइम पे एक चीज और थी, क्वाइंस के थ्रू हो गया, जो क्वाइंस है उसको आपने टॉस कर लिया, आपने डाइस को ऐसे फेंक दिया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो वहां पे 36 की प्रोबेबिलिटी बना करती थी। ठीक है,
तो यहां पे क्या होता है, लेकिन अब अगर बात करें मॉडर्न टाइम की, तो मॉडर्न टाइम में बहुत सारी चीजों में आप जब डिसीजन लेने चाहते हैं ना, तो उस वक्त आप प्रोबेबिलिटी का यूज करते हैं। लाइक आपने एक, आपके पास एक कंपनी है, आप एक कंपनी के मालिक हैं और आपको अपनी सेल इंक्रीज करनी है, तो आप एक प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, आप एक एस्टिमेट लगाएंगे कि मैं कितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट करूं, ऑफलाइन एडवर्टीजमेंट करूं या ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करूं, और मेरे इतने ज्यादा एडवर्टीजमेंट करने से मेरे इतने ज्यादा सेल्स इंक्रीज हो सकते हैं। तो डिसीजन मेकिंग में भी आज के टाइम अगर देखें तो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो या तीन चीजों में, लाइक ये कार्ड, क्लोथिंग पॉइंट, डाइस वगैरह, इन्हीं चीज में प्रोबेबिलिटी यूज हो, इसका बहुत वाइड स्कोप है। और वाइड स्कोप की मदद, जो वाइड स्कोप है, तो उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी का यूज करके बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप प्रोबेबिलिटी का नॉर्मल मीनिंग आपको समझ में आ चुका होगा। अब कुछ इसके पास कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। कंसेप्ट्स में पहला कहता है एन एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सपेरिमेंट का मतलब कुछ ट्रायल कर दिया आपने, ठीक है। व्हेन वी कंडक्टेड ट्रायल टू ऑब्टेन सम स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इट इज कॉल्ड एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लाइक टॉसिंग ए फेयर कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। आपके पास एक कॉइन है, अब कॉइन के इस तरफ हेड होगा तो उस तरफ टेल होगा, ऑब्वियस चीज। अगर कॉइन के इस तरफ टेल होगा तो उस तरफ हेड होगा, ऑब्वियस चीज। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1/2 की प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अच्छा, दोनों, एक टेल है और एक हेड है, इसका मतलब दो है और उनमें से एक ही आएगा, तो 1/2 की प्रोबेबिलिटी हुई, है ना। तो वही कह रहा है कि आपने जब कॉइन उछाले, ठीक है, तो कॉइन उछाला, जब उस कॉइन को उछाला, उस चीज को क्या कह रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कह रहे हैं, ठीक है। तो एंड इट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, हेड आएगा या टेल आएगा। रोलिंग इन फेयर डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट। आप रिजल्ट की बात नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ जब काम कर रहे हैं, लाइक वही अपन केमिस्ट्री लैब की बात करें, तो ये दो बीकर से आपने इसमें से इसमें डाल रहे हो, तो ये जो डालने का प्रोसेस है, ये क्या है, आपका एक्सपेरिमेंट है। लेकिन इसको, इस केमिकल को इस केमिकल में अगर मिक्स कर रहे हो, डाल रहे हो, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को एक्सपेरिमेंट नहीं कहेंगे। ये जो प्रोसेस आपने, जो ये एक केमिकल को दूसरे में मिक्स करने का काम किया, उसे क्या कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे, ठीक है। तो रोलिंग ए फेयर डाइस इज एन एक्सपेरिमेंट एंड इट हैज सिक्स पॉसिबल आउटकम्स। सिक्स पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होती है 6/36, ठीक है। तो 6 is 36, तो 1/6 की प्रोबेबिलिटी यहां पर इसके पास होती है, किसकी, डाई। ओके, चलिए, तो एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं इवेंट्स की। अब इवेंट्स क्या था, पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ट्रायल एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड इवेंट। अभी तक क्या कर रहे थे हम लोग, एक प्रोसेस कर रहे थे जिसमें हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। मान लो ये एक केमिकल था, दूसरा केमिकल था, आपने इस केमिकल को इसमें मिक्स किया, तो ये जो मिक्स करने की प्रोसेस थी, इसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। लेकिन इसके बाद, केमिकल को मिक्स करने के बाद, जो आपके पास रिजल्ट निकल कर आएगा, उसे क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। तो इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल ए बी सी एटसेट्रा। इफ ए फेयर टॉइस इज कॉइन इज टोस्ड, अगर कॉइन टॉस किया, तो ये कॉइन टॉस करना इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट हुआ, लेकिन आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा, टेल आएगा, इसे क्या कहेंगे, इवेंट कहेंगे। वही चीज अगर फेयर डाई का मतलब ये है कि कोई घपला नहीं किया हुआ आपने, ठीक है, तो कोई घपला नहीं किया हुआ, अनवाइजनेस है यहां पर, ठीक है। तो अगर आपने इस तरह किया, तो एक दो, अभी यहां तक क्या हुआ, यहां तक तो एक्सपेरिमेंट है, लेकिन रिजल्ट क्या आ सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकते हैं। बचपन में लूडो खेला करते थे आप, ठीक है, तो ऐसे डाई जो अपना वो गिट्टी होया करते, उसको फेंका करते थे, ठीक है, डाई को, और उसमें कुछ भी आता, 6 आ जाए तो मजा आ जाता था, है ना। तो उसको क्या कहते हैं, वो है अपने पास इवेंट्स। फिर है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अभी तो क्या था, सिंपल इवेंट्स, अब है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है टोटल इवेंट्स, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल, लाइक यहाँ पे आपने किया, यहाँ पे सिर्फ एक कॉइन को टॉस किया, तो एक कॉइन में या तो हेड आएगा या टेल आएगा। लाइक आपने 6 कॉइन्स को टॉस किया, तो हेड टेल कुछ भी आ सकते हैं। तो ये 6 के पॉसिबल आउटकम्स हैं, उन्हें क्या कहेंगे, टोटल इवेंट्स कहेंगे। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए ट्रायल और एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इन अदर वर्ड्स, इफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर टेकन इनटू कंसीडरेशन, देन सच इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो टोटल आउटकम्स जो भी होंगे हमारे पास इवेंट्स के, वो क्या होंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट्स होंगे। ओके, फिर एग्जांपल देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ टॉसिंग ए डाई, द सेट ऑफ 6 पॉसिबल आउटकम्स 1 से लेकर 6 तक आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इन केस ऑफ टॉसिंग ए कॉइन, सेट ऑफ 2 आउटकम्स, हेड और टेल, आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ठीक है, तो आपके पास जो भी टोटल, जरूरी नहीं है कि एक कॉइन किया तो वो क्या हुआ, इवेंट हुआ, ऐसा नहीं है। एक कॉइन को अगर आपने टॉस किया, तो उसमें भी हेड और टेल, ये टोटल है ना, इस टोटल की बात कर रहे हैं। चाहे आप 10 कर लो, चाहे आप 1000 कॉइन्स को टॉस कर लो, जो भी आपके पास टोटल आउटकम आएगा, उस टोटल आउटकम को क्या कहेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट कहेंगे।
क्लियर है। अब अगर मान लो मैं इस इन 10 को टॉस करता हूँ, 10 को टॉस करने पे, 10 को ऐसे उछालने पे कुछ इवेंट्स, कुछ टोटल आउटकम्स आ रहे हैं, उन टोटल आउटकम्स को मैं कहूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन अगर इस 10 को टॉस करने में से मैं सिर्फ एक ही, मतलब 10 कॉइन है और सिर्फ एक ही कॉइन को टॉस कर रहा हूं, तो उसे क्या कहूंगा मैं, इवेंट कहूंगा। ठीक है, मतलब जो भी पॉसिबल आउटकम आएंगे, मान लो 10 के 10 एक मिनट, देखो ऐसे समझो इसको, मान लो ये 10 अपने पास कॉइंस हैं, इन 10 के 10 को मैंने टॉस किया और यहाँ पे मेरे पास क्या आया, हेड और टेल आया। ये क्या हुआ, टोटल पॉसिबल आउटकम्स हुए। इन टोटल पॉसिबल आउटकम्स को मैं कहूंगा एग्जॉस्टिव इवेंट्स। लेकिन अगर मैं इसी टोटल पॉसिबल आउटकम में से एक हेड और एक टेल ले लूं, मतलब एक कॉइन की बात कर लूं, या नॉर्मल दो तीन की कॉइन की बात कर लूं, मान लो एक कॉइन की बात कर ली, दूसरी कॉइन की बात कर ली और तीसरी कॉइन की बात कर ली, मतलब सिर्फ और सिर्फ तीन ही कॉइन मैंने कंसीडर करे, तो ये तीन के तीन जो मेरे पास बने हैं ये क्या बन जाएंगे, टोटल पॉसिबल आउटकम बन जाएंगे और इन्हें मैं क्या कहूंगा, एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहूंगा। ओके चलो, फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स, द इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ द चांसेस ऑफ हैपनिंग इक्वल इवेंट इज इक्वल टू सेम, इक्वल और सेम, ठीक है, इक्वल और सेम। इन अदर वर्ड्स, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली व्हेन when does not occur more often than the others। तो देखो एक बार यहाँ पे एग्जाम्पल देखो पहले, इफ ए फेयर कॉइन इज टॉस्ड द इवेंट्स हेड और टेल आर इक्वली लाइकली इवेंट, मतलब क्या है कि जिसके दोनों के इक्वल चांस आएंगे। अब आपके पास एक कॉइन है, इस तरफ अगर हेड है तो उस तरफ टेल होगा, पर्ली साइड अगर इसके कॉइन की साइड टेल होगा तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ऐसा कभी कि दोनों आ जाएंगे एक साइड, एक ही साइड दोनों आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मतलब मैं क्वाइट पॉसिबल भी कहूं तो वो भी नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल चीज है कि दोनों के दोनों एक ही साइड आ जाए, उछाला आपने और उछल के टेल वाला उछल के इस तरफ आ गया, हेड के साथ कहता मेरे को एडजस्ट कर, हेड इधर आ गया एडजस्ट करके टेल इधर आ गया, ऐसा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है ना। तो दोनों के इक्वल चांस है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकते हैं, लेकिन ये कैसा होगा, फेयर करोगे तो, ठीक है, कोई भी अनबाइस मतलब बाइजनेस यहां पर नहीं आएगी तो करोगे, तो क्या होगा, ये फेयर इवेंट होगा, फेयर आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो फेयर होगा, तो इसे कहते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स, तो दोनों के इक्वल चांस है। अब टोटल इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल तो क्या है 2 और प्रोबेबिलिटी इसकी होगी 1, मतलब इन दोनों में सिर्फ एक चीज आएगी तो टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, कॉइन की 1/2 होगी, ठीक है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल, इफ ए डाई इज रोल्ड एनी फेस इज एज लाइकली टू कम अप as any other face, hence the sixth outcome 1 से लेकर 6 तक आएंगे appearing as equally likely event। तो यही होता है अपने पास, एक मान वो क्यूब है अपने पास, ठीक है, इस क्यूब में अलग अलग 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ऐसे ही होगा, तो ये जब उछालोगे तो इसमें से कोई भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी आ सकते हैं, तो इनके सभी के क्या चांसेस इक्वल है आने के, सभी के इक्वल चांसेस है, तो यही हो गया 6/36 हो गया, ठीक है, 1/6 हो गया, ठीक है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। चलिए अब आए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ध्यान समझिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, एक के आने पे दूसरा कभी भी नहीं आएगा, मतलब मान लो एक चीज आपने एक्सेप्ट कर ली तो दूसरी चीज अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, एक चीज एक्सेप्ट दूसरी चीज अपने आप रिजेक्ट हो जाएगी, है ना। अगर मैं कहूं जी मेरे क्वाइन में हेड आया है तो इसका मतलब टेल नहीं आया, यही तो बात होगी ना, कि अगर मैंने कहते मेरे कॉइन में हेड आया इसका मतलब टेल नहीं आया, अगर मैं कहूं जी मेरे कॉइन में टेल आया तो इसका मतलब क्या हुआ, हेड नहीं आया, है ना। तो एक चीज के होने से दूसरी चीज नहीं होगी, ठीक है। टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन दे कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल ट्रायल, आपने एक सिंगल ट्रायल किया और दोनों दो रिजल्ट आने चाहिए और दोनों के दोनों एक टाइम पे कभी नहीं आ सकते, उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इन अदर वर्ड्स, टू इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव व्हेन द हैपनिंग ऑफ वन एक्सक्लूड्स द हैपनिंग ऑफ अदर इन ए सिंगल ट्रायल, तो एक ही ट्रायल किया तो उसमें क्या होगा, एक चीज आएगी दूसरी चीज नहीं आएगी। जैसे एग्जाम्पल कहता है, इन ए टॉसिंग ए कॉइन द इवेंट्स हेड एंड टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज बोथ कैन नॉट हैपन साइमल्टेनियसली इन ए सिंगल ट्रायल, ऐसा नहीं होगा कि आपने कॉइन को उछाला और उछालने के बाद आना चाहिए था टेल, मतलब आ रहा था टेल, लेकिन उधर से जो मिट्टी की तरफ पड़ा वो जमीन की तरफ पड़ा तो हेड ना खिसक के ऐसे आ गया, टेल को कहता वो टेल ऐसे बना ले मेरे को, देख टेल भी हो गई हेड भी हो गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, कभी नहीं होगा। तो ये चीजें हैं, तो आइदर हेड अकर्स या फिर टेल अकर, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, बोथ कैन नॉट अकर साइमल्टेनियसली, दोनों के दोनों एक साथ नहीं आएंगे, द अकरिंग ऑफ हेड एक्सक्लूड्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अकरिंग ऑफ टेल, ठीक है। उस तरह से दूसरा एग्जाम्पल है, पढ़ लीजिएगा। फिर है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स में एक थ्योरम आती है, थ्योरम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्री
इवेंट्स, ठीक है, अभी हम आगे करेंगे हम सारी थ्योरम्स वगैरह। लेट देयर बी टू इवेंट्स ए एंड बी, ए इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ ए इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ध्यान सुनिएगा, यहां पे बड़ी लास्ट में बिल्कुल जबरदस्त लाइन बोली है, कहता अगर ए और बी कैसा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा। जैसे यहां बोला है इन ए टॉसिंग ए कॉइन, इन टॉसिंग ए कॉइन अकरेंस ऑफ हेड एंड टेल आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हेड के आने से टेल नहीं आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री, या तो हेड आएगा या टेल आएगा और एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री है, यही बात है, या तो हेड होगा या फिर टेल होगा, और अगर हेड आ गया तो टेल तो होगा ही नहीं, और अगर टेल आ गया तो हेड तो होगा ही नहीं, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है, एक के बिहाफ, मतलब एक अगर आएगा तो दूसरा नहीं आएगा, समझ रहे हो। तो उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है, इन टॉसिंग ए डाई अकरेंस ऑफ एन इवन नंबर 2, 4, 6 और ओड नंबर 1, 3, 5 आर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, अगर ये ओड नंबर आए तो इवन के आने के चांसेस नहीं होंगे, और अगर इवन आए तो ओड के आने के चांसेस नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब जो एक के बजाय दूसरा, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो टी एंड कॉफी की बात करें तो टी एंड कॉफी कैसे थे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स थे, या तो टी इस्तेमाल करो या कॉफी इस्तेमाल करो कोई दिक्कत नहीं थी, वैसे यहां पर है, ठीक है। फिर बात करते हैं सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, सिंगल ट्रायल, क्या है सिंपल एंड कंपाउंड इवेंट्स, सिंगल ट्रायल, इन केस ऑफ सिंपल इवेंट्स वी कंसीडर द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग ऑफ सिंपल इवेंट्स। तो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग हमने यहां पर देखने, आने और ना आने के चांसेस की बात यहां पर हम लोग करेंगे। इफ ए डाई इज रोल्ड वंस ए बी द इवेंट दैट फेस नंबर 5 इज टर्न्ड अप देन इट ए इज कॉल्ड द सिंपल इवेंट। तो आपके पास डाई का 6 नंबर आ सकते हैं, 6 में से अगर 5 आ गया तो इस 5 को आप क्या कहोगे, एक सिंपल इवेंट कहोगे या एक नॉर्मल कह सकते हो इवेंट। जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा, ये इवेंट पढ़ा था, ये रहा इवेंट, तो इवेंट क्या था, जो भी आउटकम हमारे पास निकल कर आया था, तो आउटकम आपके पास यहां पर क्या निकल गया, 5 निकल कर आया, तो इसे सिंपल इवेंट कहोगे, सिंपल इवेंट नहीं मतलब इवेंट कह सकते हो ना, सिंपल नॉर्मल इवेंट हमारे पास हमने पढ़ा। लेकिन कंपाउंड इवेंट्स कब कहोगे, कंपाउंड इवेंट्स का मतलब होता है लाइक आपने ना 2 कॉइंस उछाल लिए, आप 2 कॉइंस उछाल लिए, दोनों में हेड आने के चांसेस थे, दोनों में हेड आ गए, तो दोनों में हेड आए इसका मतलब क्या है, कंपाउंड इवेंट है, मिलकर इवेंट आया है, ठीक है। तो एक पहले हेड में क्या आया, हेड आया, और पहले उसमें पॉइंट में क्या आया, हेड आया, और दूसरे में भी क्या आया, हेड आया, तो ये क्या है, कंपाउंड इवेंट्स है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडिपेंडेंट इवेंट्स और डिपेंडेंट इवेंट्स, अब ये थोड़े से अलग हैं, इनके साथ साथ एक चीज लिख लीजिएगा, इंडिपेंडेंट के साथ लिखना विद रिप्लेसमेंट, विद रिप्लेसमेंट, अब ना इसको थोड़ा सा अलग पढ़ना है, ये ना रिप्लेसमेंट इकट्ठा लिखवाते हैं, रिप्लेसमेंट नहीं होता, रिप्लेसमेंट होता है, और यहां लिखना विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। वैसे देखो रिप्लेसमेंट ही होता है, लेकिन इसको अगर अलग अलग लिखोगे तो चीजें मतलब याद रहेंगी, समझ में आ जाएंगी, इजीली पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो टू इवेंट्स आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट इफ द अकरेंस ऑफ वन डज नॉट अफेक्ट एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय द अकरेंस ऑफ द अदर, एक चीज दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, इतनी सी चीज है, और दूसरे में क्या होगा इसका मतलब अफेक्ट करेगी। देखो एक बार एग्जाम्पल देखो, इन टॉसिंग ए डाई ट्वाइस, आप क्या कर रहे हो, दो जो आपके पास गिट्टी हैं, दो जो आपके पास क्यूब्स हैं, उनको आप क्या कर रहे हो, टॉस कर रहे हो। द इवेंट ऑफ गेटिंग 4 इन द सेकंड थ्रो इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग 5 इन द फर्स्ट थ्रो, ठीक है। अच्छा उसके बाद कहता है इन टॉसिंग ए कॉइन ट्वाइस द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड इन द सेकंड थ्रो एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ गेटिंग द फर्स्ट थ्रो। सर समझ में नहीं आया, आप भी देखो, अब देखो अब एक बढ़िया सा एग्जांपल साथ समझेंगे। देखो मैं कहता हूं, अच्छा यहां पे एक मिनट रुको, प्लेसमेंट, ठीक है, ये लो, मैं कहता हूं कि जो कार्ड्स है ताश के पत्ते उसमें कितने अपने पास 52 कार्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, कितने होते हैं 52 होते हैं। मैं कहता हूं कि इसमें से राजा के आने की प्रोबेबिलिटी क्या हुई, तो आप कहते हैं जी राजा के आने की प्रोबेबिलिटी हुई 4/52 है प्रोबेबिलिटी किंग के आने की, किसके, किंग के आने की। अच्छा जी मैं कहता हूं कि अब आपने आपके पास एक किंग निकालना है, तो आपकी एक किंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/13 हो जाएगी, मतलब 13 का एक होता है ना हुकुम का, इस तरह करते हैं वो अलग अलग है ना, हर्ट हो गया हुकुम अलग अलग हो गए, तो क्या हुआ 1/13 हो गया, ठीक है। अब ये एक किंग आया ना, इसे क्या कर दो, विद रिप्लेस कर दो। अब देखो रिप्लेस करना है, रिप्लेस करना है मतलब दोबारा से डालना है, तो अगर मैं दोबारा से इसमें डाल दूंगा तो मेरे पास दोबारा से 52 कार्ड्स हो जाएंगे, लेकिन अगर मैं इसे निकालूंगा तो 51 कार्ड्स होंगे, हाँ या ना,
होंगे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो एक किंग आया था इसको मैंने दोबारा से इसमें डाल दिया, तो मेरे पास 52 दोबारा से बच गए। अब मैं अगर दोबारा प्रोबेबिलिटी देखूं, देखना चाहूं किसी अदर किंग की, तो वो भी 4/52 ही आएगी, वो भी 4/52 आएगी। थर्ड किंग की देखूंगा तो वो भी 4/52 आएगी, क्योंकि बार बार आप जो कार्ड निकाल रहे हो उसको दोबारा से डाल दे रहे हो। आपके पास एक ऐसा बॉक्स है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप क्या कर रहे हैं, एक बाउल है, उस बाउल में आप दोबारा से उस कार्ड को डाल दे रहे हो, तो आपकी प्रोबेबिलिटी तो सेम आएगी। मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, कितने क्या टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कम हो रहे हैं? नहीं सर, कम नहीं हो रहे हैं। तो जब कम ही नहीं हो रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी भी कम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर बात करें विदाउट रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट दोबारा से रिप्लेस नहीं करना है, तो नहीं करना, तो देखो 52 कार्ड्स हुए, एक किंग की आने की वैल्यू 1/13 हुई। अगर मैं इस किंग को जो आया मेरे पास, ये 1 आया, इसको इसमें से हटा दूं, इस टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स से हटा दूं, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने बचे, 51 बचे। क्या 51 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? बिल्कुल सर बचेंगे। तो अगर 51 बचेंगे तो क्या मेरी अप प्रोबेबिलिटी कम नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, है ना। पहले वाली प्रोबेबिलिटी देखो, पहले वाली क्या होगी, अगर मैं कहूं टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने आएंगे, तो 4/52 कहेंगे, 4/52। लेकिन अगर आप उसमें से एक कार्ड को निकाल देते हैं, अगर एक कार्ड को निकाल देते हैं और निकाल के साइड में रख देते हैं, उस बॉल में दोबारा से नहीं डालते हो, उस बॉल में दोबारा से नहीं डालते हो, तो आपके पास एक कार्ड की जो है वो कमी पड़ गई, तो एक कार्ड कौन सा, राजा कम हो गया। इसका मतलब 3 राजा रह गए और टोटल नंबर ऑफ कार्ड 51 रह गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 3/51 हो जाएगी। ओके okay? तो देखो वही लिखे हैं, टू इवेंट्स आर सेड टू बी डिपेंडेंट व्हेन द अकरेंस ऑफ वन डज अफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ अदर इवेंट। इफ ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम पैक 52 प्लेइंग कार्ड्स इज नॉट रिप्लेस्ड, नहीं रिप्लेस करते हो, देन विल बी द अफेक्ट ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड कार्ड बीइंग ड्रॉन। तो मैंने समझा दिया आपको अच्छे से, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ चीजें थी, कुछ कंसेप्ट है, एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या होगा, जो आप करने लग रहे हो, जो भी आप ट्रायल कर रहे हो उसे एक्सपेरिमेंट कहेंगे, जो आउटकम निकल कर आएगा उसे हम लोग इवेंट कहेंगे, टोटल आउटकम सारे हैं उसे एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे, जिनमें इक्वली लाइकली चांसेस, जिनमें दोनों के आने के चांसेस क्या है इक्वल है उसे इक्वली लाइकली कहेंगे, एक के होने पर दूसरी चीज नहीं होगी उसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, एक की जगह दूसरा, तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स हो जाएंगे। सिंपल इवेंट कैसे हम कह सकते हैं, जो भी हमारे पास आउटकम आया वो सिंपल इवेंट, और टोटल जो मिलके आ रहा है, ठीक है भाई, हम लोग एक बार में 2 से 3, 4, 5, 10, 50 कितने भी ट्रायल्स कर रहे हैं, उनसे जो रिजल्ट निकल कर आ रहे हैं उसे हम लोग कंपाउंड इवेंट्स कहेंगे। फिर इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि हम लोग दोबारा से उस इवेंट को, जो भी हमने ट्रायल किया उसको हम लोग दोबारा से उसमें ऐड कर देते हैं, तो हमारे प्रोबेबिलिटी में कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। और हम लोग डिपेंडेंट में क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है, तो हम लोग दोबारा से उस कार्ड को या जो भी हमने इवेंट किया उसको उसमें दोबारा से नहीं डालते हैं, इसकी वजह से आपकी वो चीजें माइनस होती रहती है और आपकी प्रोबेबिलिटी भी कम आती रहती है। क्लियर है? चलिए अब आइए डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पर। देखिए क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या लिखे, प्रायरी प्रोबेबिलिटी। क्या लिखे? प्रायरी प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब आपको शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही आपको इसका, जो भी आप प्रोबेबिलिटी लगाने जा रहे हैं उसका आंसर पता होगा। क्या होगा? पता होगा, ठीक है। इसे आप कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉ या फिर यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। तो ये यूनिवर्सल लॉ है। इट इज द ओल्डेस्ट एंड सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। दिस डेफिनेशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन। किस पे बेस्ड है? अजम्पशन पे बेस्ड है दैट द आउटकम्स और रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। कैसा क्या अजम्पशन है, क्या अजम्पशन ले रखी है कि जो भी हमारे पास आउटकम होंगे या रिजल्ट होंगे एक्सपेरिमेंट के, वो इक्वली लाइकली होंगे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। Probability is the ratio of favorable cases to the total number of equally likely cases. तो जो भी आपके पास favorable cases आए हैं, divide कर दोगे आप जो भी आपके पास total number of equally likely cases होंगे उससे। From this definition, it is clear that in order to calculate the probability of an event, we have to find the number of favorable cases. तो हमें क्या करना होगा? हमें favorable cases को क्या करना होगा? फाइंड आउट करना होगा, एंड इट इज टू बी डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ केसेस। जो भी आपके पास टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं उन्हें क्या करना होगा? उससे डिवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल, इफ ए बैग कंटेन्स 6 ग्रीन कितने हैं? 6 हैं। रेड कितने हैं? 4 बॉल्स हैं, ठीक है, 4 बॉल्स। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन बॉल विल बी 6/ क्या होगा? 6/4/6 हो जाएगा, और प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 6। अब देखो टोटल, अब किया कैसे, टोटल कितनी है? टोटल है हमारे पास 10,
और हमें निकालना क्या है, हमने निकालना था द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बॉल की, तो ग्रीन बॉल कितनी है 6 है, तो 6 अपॉन टोटल में कितना हुआ 10 हुआ। तो हमने यही तो कहा फेवरेबल केसेस, जो भी फेवरेबल केसेस है डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, उन्हें क्या उससे क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 6 अपॉन 10 क्या आ गई इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मतलब यहाँ पे इवेंट हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो भी नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस यहाँ पे क्या था अपने पास 6 ग्रीन बॉल्स, 6 ग्रीन बॉल्स, इसे अपन डिनोट करते हैं एम से, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस क्या हुआ 6 ग्रीन बॉल्स प्लस में 4 रेड बॉल्स, तो टोटल क्या हुआ 10 हो गया, इसे अपन डिनोट करते हैं एम से। क्लियर है, तो कोई भी अगर आपसे नॉर्मल अगर नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछे तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाय एन, मतलब फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस। ठीक है, पहली डेफिनेशन ये है। From the above definition, it is clear that the sum of the probability of the happening of an event is called success. Success हम लोग कहते हैं उसके बाद success को कैसे denote करते हैं? P से denote करते हैं। The probability of not happening of an event is called Q. तो success को हम लोग P से denote करते हैं और failure को हम लोग Q से denote करते हैं। ठीक है, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये अब probability distribution जब हम लोग करेंगे ना उस वक्त आपके ये काम आएगा। ठीक है, और ये कैसा हो सकता है, हमेशा 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो अगर P प्लस में Q करते हैं तो ऑलवेज किसके इक्वल होगा 1 के होगा। प्रोबेबिलिटी आपकी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखिएगा, 0 से ज्यादा होगी 1 से कम होगी, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगी। क्लियर है, इफ P इज नोन वी कैन फाइंड Q एंड इफ Q इज नोन देन वी कैन फाइंड P। अगर एक चीज हमको पता है तो दूसरी चीज हम लोग निकाल सकते हैं, एक दूसरी चीज पता है तो पहली चीज निकाल सकते हैं। इन प्रैक्टिस द वैल्यू ऑफ पी लाइज बिटवीन द 0 एंड 1, तो 0 से क्या होगा ज्यादा होगा या इक्वल होगा और प्रोबेबिलिटी, और 1 से क्या होगा कम होगा या इक्वल होगा, तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो टू कोट प्रोफेसर मॉरिसन क्या कहते हैं, इफ एन इवेंट कैन हैपन इन एम वेज, एम मतलब फेवरेबल वेज, फेवरेबल आइटम्स, arrived fail to happen in n ways, the probability of happening m divided by m plus n and that of its failure क्या हो जाएगा n divided by m plus n, तो m plus क्या हो गया n क्या हो गया m plus n क्या हुआ total number of equally likely cases और n क्या हुआ जो हमारे पास favorable case है वो हो गया। ठीक है, तो first जो आपके पास definition है I hope आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। okay, और देखिए अगर आपको आपको आंसर जो है वो ऑलरेडी आपको पता है, आप शुरुआत में आंसर जानते हैं, तो क्या आपको एक्सपेरिमेंट सच में करने की नीड है? नहीं सर, जब एक्सपेरिमेंट करने की नीड तो तब होती ना जब हमको एक्चुअल में रिजल्ट फाइंड आउट करना होता, लेकिन हमें तो रिजल्ट पहले ही पता है, आंसर हमें पहले ही पता है, तो हम क्यों मत हमारे एक्सपेरिमेंट करने में। ठीक है, तो हम लोगों को यहां पर एक्सपेरिमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। और यहां लिखा हुआ है ना कि 0 से ज्यादा या 1 से कम, तो एग्जैक्ट अगर आप ये कहें जैसे इक्वल भी इक्वल टू भी लिखा हुआ है, इक्वल टू लिख रखा है, लेकिन एग्जैक्ट अगर आप बात करें तो एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 1 कभी भी नहीं हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो वहां पर प्रोबेबिलिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है जी, कह सकते हैं कि जी इक्वल हो सकती है, शायद ये हो जाए 0.01, लगभग लगभग इक्वल है लेकिन एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, तो एग्जैक्ट इक्वल नहीं होगी तो यहां पे प्रोबेबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। अगर एग्जैक्टली इक्वल है, अगर एग्जैक्टली 0 आ जाएगी या एग्जैक्टली 1 आ जाएगी तो वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। चलिए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड क्या है, एम्पेरिकल और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन। तो दूसरी क्या है, दिस डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन लॉजिक बट पास्ट एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रेजेंट कंडीशन। तो पास्ट के बेस पे इसकी यहां पर हम लोग बात यहां पर करते हैं। ठीक है, तो आप यहां पर क्या करते हैं, अपने जो भी ट्रायल्स है ना उनको रिपीट करते हैं बार बार, बहुत बार, मतलब सेवरल टाइम्स आप क्या करते हैं इसे रिपीट करते रहते हैं, और जितनी भी आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उसे आप लोग वहां पर अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लॉजिक वगैरह की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे, यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे, और जो भी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, प्रेजेंट कंडीशन चल रही है उसकी बात करेंगे। If vital statistics gives the data that out of 100 newly born babies, 55 of कितने हैं 100 पैदा हुए बच्चे, जिसमें से 55 क्या हैं गर्ल्स हैं,
प्रोबेबिलिटी ऑफ गर्ल्स बर्थ इज 55/100, बिल्कुल होगा 55। ये अपने पास क्या, अगर गर्ल्स निकालनी हो तो कितनी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 55 मतलब टोटल फेवरेबल आइटम्स डिवाइडेड बाय जो भी अपने पास टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली आइटम्स है, मतलब बॉयज भी और गर्ल्स भी, तो टोटल कितना हुआ 100। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 55/100, है ना। अकॉर्डिंग टू क्रोटन एंड क्रोस्टन एंड कॉर्डन, प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट ऑफ द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफिनाइट सक्सेस ऑफ ट्रायल्स। तो आप क्या करेंगे, इनफिनाइट सक्सेस ऑफ ट्रायल्स करते रहेंगे, आप कंटिन्यू जो है उन अपनी जो भी ट्रायल्स है उनको बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। तो कोट कैनियन टिपिंग, इफ इवेंट्स हैज अकर्ड टाइम्स इन सीरीज ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑल आर मेड अंडर द सेम आइडेंटिकल कंडीशंस द रेशियो आर अपॉन एन इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द इवेंट, द लिमिट क्या हो जाएगी आर अपॉन एन एज एन टेंड्स टू इनफिनिटी इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, ठीक है। और अगर मैं इस डेफिनेशन को एक सिंपल सी एक लाइन में बोलना चाहूं तो मैं ये कहूंगा कि हमारे जितने भी नंबर ऑफ ट्रायल्स है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स में तब तक बढ़ाता रहूंगा जब तक क्या होगा, जब तक मेरे एक चांसेस जो है वो कैसे हैं 0.05 के इक्वल ना आ जाए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरे जो भी नंबर ऑफ ट्रायल्स कह लो या फिर ये कह लो कि प्रोबेबिलिटी है वो 50% या 50% नहीं आती, मतलब दोनों में इक्वल आया था 1/2 की प्रोबेबिलिटी जब तक नहीं आ जाती है मैं तब तक ट्रायल्स को बढ़ाता रहूंगा, क्लियर है। तो यहां पर क्या होगा, प्रोबेबिलिटी कैसे होती है 1 होती है, लेकिन मैं तब तक बढ़ाता रहूंगा जब तक 1/2 नहीं आ जाती। इसका मतलब 1/2 का मतलब क्या, इक्वल चांसेस है उस दोनों को आने का, क्लियर, ठीक है। तो ये समझ में आया होगा, हम तब तक ट्रायल्स को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारी प्रोबेबिलिटी कैसी है 1/2 नहीं आ जाती, और 1/2 का मतलब क्या है 0.5, क्लियर। तो हम लोग तब तक इसको इंक्रीज करते रहेंगे, तो वही प्रोबेबिलिटी दी हुई है, लिमिट क्या हुआ, लिमिट n अपॉन इनफिनिटी, इनफिनिटी कब तक, r अपॉन n तक, मतलब कि जब तक मेरी जो वैल्यू है, जब तक मेरी जो प्रोबेबिलिटी है वो कैसी है, इक्वली नहीं आ जाती, इक्वल चांस के नहीं आ जाते, मतलब कि मैं ट्रायल क्या करता रहूंगा, कॉइन संभाल लो मेरे पास, तो मैं कॉइन्स तब तक उछालता रहूंगा जब तक मेरे कॉइन्स हेड आने के भी 50% चांस और टेल आने के भी 50% चांस नहीं बन जाते, क्लियर। चलिए थर्ड डेफिनेशन पे आते हैं, थर्ड डेफिनेशन हमारे पास क्या है, सब्जेक्टिव अप्रोच। देखो सब्जेक्टिव आ गया, क्या आ गया, सब्जेक्टिव आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ बायसनेस रहेगी, कुछ पर्सनल जजमेंट्स रहेंगी, बिल्कुल सर रहेगी। तो पढ़ लेते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज असाइंड बाय एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस अवेलेबल टू हिम। इसका मतलब यहां पर पर्सनल जजमेंट रहेगी, पर्सनल जजमेंट रहेगी, बिल्कुल सर रहेगी। हेंस प्रोबेबिलिटी एज इंटरप्रेटेड एज ए मेजर ऑफ डिग्री ऑफ बिलीफ्स फॉर कॉन्फिडेंस दैट ए पर्टिकुलर इंडिविजुअल रिस्पॉन्स इज इन द अकरेंस ऑफ एन इवेंट, बट द मेन प्रॉब्लम हियर इज दैट डिफरेंट पर्सन्स मे डिफर इन देयर डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस इवन व्हेन सेम एविडेंस इज ऑफर्ड। आपको सेम एविडेंस सबको प्रोवाइड करा दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से सभी को प्रोवाइड करा दिया, मान लो 10 बंदों को प्रोवाइड करा दिया, तो 10 के 10 का क्या एक्चुअल रिजल्ट निकलेगा, सबका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अप या डाउन रहेगा, सबका क्या इक्वल रहेगा, नहीं सर इक्वल कभी नहीं रह सकता। तो यहां पे इसलिए बात करेंगे सब्जेक्टिव अप्रोच है ये, क्लियर। और जो ये वाली डेफिनेशन है इसका हम लोग कब यूज करेंगे, तब यूज करेंगे जब आपका ना तो प्रायरी प्रोबेबिलिटी यूज हो रहा है और ना ही जो आपकी एक्सपेरिमेंट वाली प्रोबेबिलिटी, मतलब जो पहले वाली दोनों प्रोबेबिलिटी है एम्पेरिकल या फिर जो प्रायरी प्रोबेबिलिटी है, अगर ये दोनों के दोनों यूज नहीं हो रही है वहां पे हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्टिव अप्रोच को इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेनली वैसे तो इस्तेमाल नहीं होती है, यूज नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्सनल जजमेंट आ जाता है और पर्सनल जजमेंट की वजह से आपकी रिसर्च कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। फिर बात करते हैं फोर्थ की, मॉडर्न अप्रोच। अब मॉडर्न अप्रोच आई और मॉडर्न अप्रोच में बात किसने करी, रशियन मैथमेटिशियन था प्रोफेसर ए एन कोलोग्रेव 1933 में इन्होंने बात करी। इन्होंने यूज किया वेन डायग्राम्स का और ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन का इन द फील्ड ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो आपने वेन डायग्राम्स जरूर किए होंगे, ठीक है, इस तरह के वेन डायग्राम्स यूज करे होंगे और इसकी मदद से आप लोग क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए तो ये आपकी चारों डेफिनेशन है, चारों डेफिनेशन कौन कौन सी है, पहले है क्लासिकल जिसमें हमने पहले से क्लासिकल या मैथमेटिकल डेफिनेशन जिसमें नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की क्या होता है, फेवरेबल आइटम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली
केसेस होती है जहां पे हमें आंसर पहले से पता होता है, तो एक्सपेरिमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमेशा वन से कम होगी और जीरो से ज्यादा होगी। एम्पेरिकल की बात करें तो यहाँ पे हम तब तक ट्रायल्स को इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल चांसेस पे नहीं आ जाती है। और थर्ड बात करते हैं सब्जेक्टिव अप्रोच की, ये हम तब इस्तेमाल करेंगे जब दोनों पहले वाले दोनों यूज में नहीं होगी और यहाँ पर पर्सनल जजमेंट होता है। और फोर्थ क्या है, मॉडर्न अप्रोच है। मॉडर्न अप्रोच में यूज किया गया वेन डायग्राम का। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग मॉडर्न अप्रोच में प्रोबेबिलिटी की किस चीज का यूज कर रहे हैं, तो यूज कर रहे हैं वेन डायग्राम का। और वेन डायग्राम की मदद से आप बहुत बड़ी बड़ी जो आपके पास डेटा है उसको इजी तरीके से आप उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है, द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी हैज इट्स ओरिजिन इन द गेम्स ऑफ चांस रिलेटिंग टू द गैम्बलिंग सच एज टॉसिंग ए डाई, टॉसिंग ए कॉइन, ड्रॉ ये कार्ड वगैरह देखते हैं। ठीक है, बट इन मॉडर्न टाइम्स अगर बात करें, इट इज वाइडली यूज इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स में यूज हो रहा है, इकोनॉमिक्स में यूज हो रहा है, कॉमर्स में हो रहा है और सोशल साइंस में हो रहा है। दैट इन्वॉल्व्स मेकिंग प्रेडिक्शंस इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी, द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट्स। तो क्लियर हो जाएगा, अभी हो जाएगा क्लियर आपको। क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी कहाँ यूज होती है, मेकिंग इकोनॉमिक डिसीजन लेने में। मैंने आपको बता दिया कि मॉडर्न टाइम्स में अगर बात करें तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग करने में, इन द सिचुएशन ऑफ रिस्क, अनसर्टेनिटी ऑफ सेल्स मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर एटसेट्रा। प्रोबेबिलिटी का हम लोग यूज कर सकते हैं थ्योरी ऑफ गेम्स विच इज फर्दर इन मैनेजरियल डिसीजंस। तो हम लोग मैनेजरियल डिसीजन लेने के लिए भी यूज कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है, मैनेजरियल डिसीजंस या मैनेजमेंट में भी यूज होता है। वेरियस सैम्पलिंग टेस्ट हमारे पास यहाँ पर है, लाइक जेड टेस्ट है, टी टेस्ट है, एफ टेस्ट है, इनके बेस पे हम लोग जो है वो इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज द बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है किसकी, इंश्योरेंस कंपनी की। सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात करूं पॉइंट की तो यही है, इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वो हमेशा प्रोबेबिलिटी पे काम करती है। ठीक है, बिकॉज लाइफ टेबल आर बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर लाइफ रह गई कम, अगर लाइफ रह गई पर्सन की कम, तो क्या होगा, उसका जो प्रीमियम होगा वो क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी पे काम करते हैं, है ना, कि भाई अगर लाइफ कम है तो वो जल्दी से जल्दी मर सकता है, तो उसकी प्रीमियम जो है वो ज्यादा रख लो, है ना। तो इस चीज पे हम लोग, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी है वो काम करती है। अब आते हैं थ्योरम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा देखने को। और इस बार तो ये लगा लो कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, मतलब फॉर्मुला भी बिल्कुल अलग पूछे गए थे। 2021 की बात मैं करूं तो 2021 में टोटली अलग पूछे गए, सॉरी 2020 में, 2020 में टोटली अलग पूछे गए हैं। तो मैं दोनों तरीके से फॉर्मुला यहां पर लेकर आया हूं। और मेनली ये पूछे गए थे कॉमर्स में, मेनली कॉमर्स में पूछे गए थे, मैनेजमेंट में ये नहीं इतने पूछे गए थे। पूछे भी गए थे तो बहुत नॉर्मल फॉर्मूला पूछे थे, लेकिन कॉमर्स में बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मूला पूछे थे। अब आपको ये याद करने होंगे। देखो पहली है एडिशन थ्योरम, आप लोग एडिशन थ्योरम लगाते हैं। अब एडिशन थ्योरम में ना दो आएंगी, एक होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दूसरा होगा नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, एडिशन, एडिशन में क्या कर रहे हैं, एडिशन में मतलब आपके पास कुछ ए है और कुछ बी भी है। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट क्या है वो क्या हुआ, ए और बी हो गया, ए प्लस बी हो गया, मतलब उसमें ए वाले कंटेंट भी आ रहे हैं और बी वाले कंटेंट भी आ रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। मान लो ए प्लस बी निकालनी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है अपने पास 1/2 और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की प्रोबेबिलिटी भी क्या है 1/2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब इसे हम लोग डिनोट करते हैं, प्लस को डिनोट करते हैं या एडिशन को डिनोट करते हैं यूनियन से। किसे डिनोट करते हैं, यूनियन से, UNION, यूनियन। ठीक है, और इसे कहते हैं हम लोग यूनियन, इसे कहते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ये है इंपॉर्टेंट, ये आया था एग्जाम में, जो बच्चों को समझ नहीं आया हो क्या गया, फिर भी यहां तक सही था। जब बेस थ्योरम की बात आई तो वहां पे तो धुएं उड़ गए थे। ठीक है, तो ई मतलब इवेंट वन और इवेंट टू के बीच में एडिशन करें तो इवेंट वन की प्रोबेबिलिटी प्लस में इवेंट टू की प्रोबेबिलिटी, तो नॉर्मल है, इवेंट के हिसाब से यहां पे क्वेश्चन आपको दिया गया था। तो ये था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की बारी। अब बात करें नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में बी कर देंगे। ठीक है, और a प्लस बी वो सेम फॉर्मूला हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ a इनटू में b। तो नॉर्मल है, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो सिर्फ और सिर्फ आपको ऐड करना है, और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो उसमें से आपको क्या कर देना है, माइनस भी करना होगा।
ठीक है, तो माइनस भी करना होगा, माइनस किसको करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को माइनस कर देंगे। तो ये अपनी पहली थ्योरम जिसे कहते हैं एडिशन थ्योरम। फिर बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम की। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में दो आएंगी, एक आएगा इंडिपेंडेंट इवेंट और दूसरा आएगा डिपेंडेंट इवेंट। अब देखो मैंने आपको वहां पहले बताया जब हमने नॉर्मल इंडिपेंडेंट इवेंट जो कंसेप्ट करें, तो इंडिपेंडेंट इवेंट में मैंने आपको कहा कि विद रिप्लेसमेंट होगा और डिपेंडेंट में विदाउट रिप्लेसमेंट होगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्लीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर आपको क्वेश्चन बहुत बारीकी से पूछ सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल स्टेटमेंट दे देगा और वहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डिपेंडेंट में विदाउट होगा, विदाउट डिपेंडेंट होगा, और इंडिपेंडेंट में विद रिप्लेसमेंट होगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो भी प्रोबेबिलिटी है 1/2 इंटू 1/2 कर देंगे। ठीक है, जो भी प्रोबेबिलिटी आ रही है, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, अब इसे क्या कहते हैं, इंटरसेक्शन कहते हैं, मैंने आपको बताया ये होगा इंटरसेक्शन, इसे कहते हैं यूनियन, ये यू से यूनियन, ये उल्टा यू कर दो तो इंटरसेक्शन। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, अब क्या निकालनी है, ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है बी के बिहाफ पे। ठीक है, तो ऐसा कर देंगे, और फिर क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइडेड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगी, सॉरी यहाँ पे उल्टा कर लीजिएगा, यहाँ बी अपॉन ए कर लीजिएगा। ठीक है, तो ए की बी की वैल्यू ए के बेस पे, तो ए अपना नीचे आ जाएगा और ए इंटू बी ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हुआ इंडिपेंडेंट इवेंट। अगर बात करें डिपेंडेंट इवेंट की, तो डिपेंडेंट इवेंट में तो सबसे पहले मैं कहूंगा कि जो ये है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं कंडीशनल, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि वहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी किसे कहते हैं, तो किसे कहेंगे, इन सॉरी डिपेंडेंट इवेंट को कहते हैं। ओके, अच्छा जी, अब डिपेंडेंट इवेंट की अगर हम बात करें या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो वहां पे कैसा होगा, अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे आप आगे करेंगे, इसका एक अलग से फॉर्मुला इस बार पूछा गया था 2020 में, जो 2020 का एग्जाम हुआ था कॉमर्स का, उसकी दोनों शिफ्ट में पूछा था और बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, तो अलग से इन्होंने फॉर्मुला बना दिया था, वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू बी, तो नॉर्मल हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए। ठीक है, और अगर बी इंटू ए है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू ए डिवाइडेड बाय बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, बी ए की वैल्यू निकाल रहे, ए की वैल्यू निकाल रहे किसके बिहाफ पे, बी के बिहाफ पे। तो ये आपको याद करने होंगे, याद करने होंगे, इसमें समझने वाला जितना था वो समझा दिया, आप समझने के बाद थोड़ी चीजें और डीप में जाएंगे। यहाँ पे अगर मैथ है आपका अच्छा, थोड़ा सा अच्छा, फिर तो आप इसे और बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। नहीं है तो आप देखो, अब एग्जाम में ज्यादा टाइम तो बचा नहीं है, या तो रट्टे मार लो। ठीक है, और अगर नहीं रट्टे मारना और समझना ही है, तो इसके 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करके देख लेना, अपने आप चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। इससे ज्यादा डिटेल में आपको जाने की नीड है नहीं, सिर्फ फॉर्मुला याद रखने, नॉर्मल याद रखने हैं। देखो एग्जाम में ना दो चीजें होती है, एक तो है आपको डिटेल वर्जन आपको पता है, दूसरे होते हैं आपके हिंट्स। एग्जामिनर हमेशा आपको हिंट देगा क्वेश्चन में, अगर वो हिंट आप समझ गए तो आप डायरेक्ट टिक मार के आगे बढ़ोगे, नहीं तो उस क्वेश्चन में आप 5-6-7-8-10 मिनट लगा सकते हैं। ठीक है, तो हिंट में यहाँ पे इंटरसेक्शन दे दिया, वहां पे एडिशन में आपको यूनियन प्रोवाइड करा देगा। ठीक है, चलिए अब आओ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे। ये आपसे अलग पूछी गई थी कंडीशनल में, और बेस थ्योरम में बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे इवेंट की बात करी थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू डिवाइडेड बाय इवेंट वन, तो सिंपल हो जाएगा, इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे पहले। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे, मैंने बता दिया, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि डिपेंडेंट इवेंट से है और डिपेंडेंट इवेंट किसके अंडर आ रहा है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम के अंडर आ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट वन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट टू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है वन के बेस पे, तो वन अपने आप नीचे आ जाएगा, और अगर टू के बेस पे वन की निकाले तो टू अपने आप नीचे आ जाएगा, और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सिंपल है। अब आता है लास्ट बेस थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यहां से आपको क्वेश्चन जो है वो मतलब आएगा ही आएगा, कुछ ही कर लो। ठीक है, मतलब कुछ ही कर लो, यहां से आपसे नॉर्मल थ्योरी पूछ लेगा, कोई एक चीज उठा के ऐसे पूछ लेगा, कोई मतलब कि बेस थ्योरम कहां से है, कैसे है, उसे क्या कहते हैं, किसने दिया, फलाना फलाना, ऐसे कुछ भी पूछ लेगा आपसे। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेगा, बेस थ्योरम किसने आफ्टर नेम किसके नाम पे है, ये ब्रिटिश मैथमेटिशियन थॉमस बेस, याद रखना इस चीज को। मैंने फिर कह रहा हूं कि बेस थ्योरम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे कैसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा, फॉर्मूला पूछना है फॉर्मूला पूछ लेगा, उसने थ्योरेटिकल पूछनी है थ्योरेटिकल चीज पूछ लेगा। ठीक है, एंड इट वॉज पब्लिश इन द ईयर 1763, तो पब्लिश कब हुआ, ये 1763 में पब्लिश हुआ, किसने करवाया, थॉमस बेस ने करवाया, विद द हेल्प ऑफ बेस थ्योरम
prior probabilities are revised in the light of some sample information and posterior probabilities are obtained. This theorem is also called theorem of inverse probability. तो इसको याद रखना कि इसका एक और नेम है, इसका एक और नेम क्या है, theorem of inverse probability है. क्या है? theorem of inverse probability है. अब इसका फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी, ए वन डिवाइडेड बी, तो ए वन इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए वन, और उस पूरे का आप लोग क्या करना है, नीचे आपने सब कुछ प्लस करना और मल्टीप्लाई करना है. मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, देखो फॉर्मूला से पहले एक चीज सुनो, फॉर्मूला से पहले एक चीज यहाँ पे ये कहता कि होगा क्या प्रायर प्रोबेबिलिटी. अब आपके पास ना पहले से कोई प्रोबेबिलिटी निकल गई, कोई प्रोबेबिलिटी आपने बनाई, ठीक है. अब कुछ, अब दोबारा से आपने कुछ प्रोबेबिलिटी करी और उसमें कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन निकली. अब उस न्यू इन्फॉर्मेशन के मिलने पर आप क्या करेंगे, चीज को रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करके आपको पोस्टीरियर, पोस्टीरियर मतलब बाद वाली प्रोबेबिलिटी यहां से ऑब्टेन हो जाएगी. तो आप पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उससे उसके बाद उसे रिवाइज करेंगे. कब? जब आप न्यू इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है उसे रिवाइज करके आप पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, ठीक है. तो वहां पर एक फॉर्मूला लगता है ये वाला, ठीक है. अब इस फॉर्मूले को ना एक याद करने की टेक्निक है, नॉर्मल एक बार फॉर्मूला अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी होगा इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक सेकंड, इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अच्छा ये क्या है, समझ में नहीं आ रहा. देखो याद करने की टेक्निक, ए बी, देखो ए बी क्या है, चलो आओ, ए बी बी ए, ए बी बी ए क्या बन गया, अब्बा बन गया, अब्बा वो बचपन वाला कट्टा अब्बा नहीं, अब्बा अब्बा मतलब वो अपने मुस्लिम धर्म में कहते हैं ना कि हाँ भाई अब्बा, फादर को अब्बा कहते हैं ना, तो अब्बा, ठीक है, अब्बा, अब्बा अभी हम पढ़ा रहे हैं. क्या है? अब्बा अभी हम पढ़ा रहे हैं. अब्बा ए बी बी ए मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ए इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी. अभी अब्बा अभी ए से अभी हम पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है. तो ये चीज ध्यान रखेगा. अब इसको क्या कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी कहते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी, क्योंकि निकालनी क्या है, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, बाद वाली प्रोबेबिलिटी निकालनी है. किसके बेस पे? पहले वाले के बेस पे. तो पहले वाली क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जिसे हम लोग कहते हैं प्रायर प्रोबेबिलिटी, ठीक है. ये क्या हुआ, लाइकलीहुड जो आपका निकलना चाहिए, और ये क्या है, मार्जिनलाइजेशन इसे कहते हैं हम लोग, ठीक है. तो ये आपके नॉर्मलाइज याद करने की टेक्निक इतनी सी है. अब यहां से अगर हम देखना चाहे इस जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है उस फॉर्मूले को याद करना तो लगभग सेम है. अब आपको समझ में आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी, ठीक है. तो देखो ए बी बी ए, अब्बा अब्बा बने, अब्बा अभी हम पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ा रहे हैं में क्या आ जाएगा, नीचे जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए वन प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ जो सेकंड इवेंट थी इनटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए वन सेकंड का इवेंट, ठीक है. तो ये आप इस तरह से फॉर्मूला कर सकते हैं. और अगर ये नॉर्मल मैंने बता दिया तो ए बी बी इनटू में ए डिवाइडेड बाय बी हो जाएगा, ठीक है. और अब जो इसने एग्जामिनर ने पूछा था वो है ये वाला क्वेश्चन, ये फॉर्मूला. तो यहाँ पे कंफ्यूज हुए थे बच्चे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच वन डिवाइड इंटरसेक्शन, अब इंटरसेक्शन देखो यहाँ पे भी आ रहा है और इंटरसेक्शन आपका यहाँ पे भी आ रहा है, तो इसलिए कंडीशनल में और बायस थ्योरम में बच्चे कंफ्यूज हुए थे. तो एच वन इंटरसेक्शन ई मतलब इवेंट और उसको डिवाइड कर देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ टोटल इवेंट से. तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर बनता है किसका, जो बायस थ्योरम है उसका, ठीक है. आई नो कि ये जो प्रोबेबिलिटी चल रही है अब जितने भी चैप्टर्स आने वाले हैं वो थोड़े से अलग हैं, थोड़े से बोरिंग है, और आई नो पूरा स्टैट्स ना, अगर देखो आपने पहले किया हुआ है तो आपको थोड़ा बहुत तो ऐसा लगेगा कि हाँ यार ठीक है बोरिंग से चल रही है नॉर्मल, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको बहुत अच्छी वीडियो लगेगी, बहुत सही लगेगा, और मतलब लगेगा कि हाँ भाई बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है. बेशक ये बड़ी बड़ी वीडियोज हैं लेकिन आपको डिटेल वर्जन में करवाया गया है, तो प्लीज इसे करिएगा. अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन लगती है तो कमेंट बॉक्स फ्री है, पैसे तो लगने नहीं है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें कोई दोराही है ही नहीं, ठीक है. तो आप इजिली पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि भाई नहीं समझ में आ रहा कि यार या और कुछ मतलब करने की नीड है, तो हम वो भी यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि हाँ भाई आपको हम लोग एग्जाम्पल अलग तरीके से ले सकते हैं, तो उनका हम लोग थोड़ा और ध्यान देंगे, ठीक है. तो फिर भी कहूंगा जो अगर आपने पहले से पढ़ा हो तो पहले वाला एक बार आपको भूलना पड़ेगा या एक बार उसको साइड में रखना पड़ेगा, आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना पड़ेगा तो ये आएगी. और फिर कह रहा हूं प्लीज आप सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो, अगर आप 10 टीचर को फॉलो करोगे तो आपका एक टीचर भी आपके समझ में नहीं आएगा.
अगर आप मुझे फॉलो करें तो मुझे करें, आप किसी और को कर रहे हैं तो किसी और को करो प्लीज। अगर किसी और से आप 80% सिलेबस करके आ रहे हैं और 20% सोच रहे हैं कि मुझसे करेंगे, तो प्लीज ऐसा करने की गलती मत करना, क्योंकि हर टीचर डिफरेंट होता है, हर टीचर का पढ़ाने का तरीका डिफरेंट होता है, हर एक टीचर का कंटेंट अलग होगा, ठीक है। तो क्योंकि मेरा है, मैं थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से लिंक करके पढ़ाता हूँ, शायद दूसरा वाला ना पढ़ाता हो, आप जिसे पढ़े हो शायद उसने ना पढ़ाता हो, शायद आप जिसे पढ़े हो वो मुझसे भी ज्यादा लिंक करके पढ़ाता हो, क्वाइट पॉसिबल ना। तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप एक सब्जेक्ट पे फॉलो कर रहे हैं तो प्लीज सिर्फ और सिर्फ एक टीचर को फॉलो करो, 50 टीचर को करोगे तो कोई फर्क, कोई मतलब फायदा नहीं होगा, आपको किसी की भी समझ में नहीं आएगी और आप कंफ्यूज होगे, वो अलग, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आएगी वहां पर। एक सब्जेक्ट पे सिर्फ एक टीचर पकड़ो, बस बात खत्म, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो कोई भी हो, वट एवर, कोई भी टीचर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि मुझसे पढ़ो, किसी भी टीचर से पढ़ो, लेकिन सिर्फ एक ही टीचर से पढ़ना, ठीक है। चलिए देख लेते हैं आज क्या कुछ किया, थोड़ी सी बोरिंग है आई नो, स्टैट्स हम लोग बनाना चाहें तो इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, अगर आप इसको अच्छे से करना चाहें तो कर सकते हैं इंटरेस्टिंग बनाकर। लेकिन अगर सोचे यार ठीक है यार एमई चल रहा है, चल रहे चलने दो, हमने बीकॉम में एमकॉम में पढ़ा हुआ है, तो ऐसा नहीं, अब आपको डिटेल में पढ़ना होगा क्योंकि यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देखिए हमने प्रोबेबिलिटी में देख लिया, प्रोबेबिलिटी में कुछ अपने पास कंसेप्ट थे, एक्सपेरिमेंट इवेंट्स, एग्जॉस्टिव इवेंट्स, इक्वली लाइकली और म्यूचुअली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, जहां पे एक की वजह से दूसरा नहीं हो, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया, फिर सिंपल और कंपाउंड इवेंट्स हो गया, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में, तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में विद और विदाउट रिप्लेसमेंट की बात हमने यहाँ पर करी थी। फिर बात आई क्लासिकल की या डेफिनेशन की, तो उसमें है पहला क्लासिकल और मैथमेटिकल डेफिनेशन, जिसमें आंसर हमें पहले से पता होता है, फॉर्मूला यहाँ पे होता है एम डिवाइडेड बाई एन, मतलब फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाई इक्वली लाइकली केसेस। एम्पेरिकल की बात करें तो हम लोग तब तक अपने ट्रायल्स को बढ़ाते रहते हैं जब तक हमारी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वली इक्वल नहीं आ जाती है, मतलब 0.05 के इक्वल नहीं आ जाती है। फिर है सब्जेक्टिव, यहाँ पे इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं, इजी तो है लेकिन ज्यादा यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ पे सभी का क्या होता है, पर्सनल जजमेंट होता है। फिर बात करते हैं मॉडर्न अप्रोच की, आज के टाइम अगर बात करें तो मॉडर्न अप्रोच ही यूज हो रही है क्योंकि यहाँ पे हम लोग वेन डायग्राम की हेल्प से यहाँ पे बात करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट साइज देख लीजिएगा, इकोनॉमिक्स में, स्टैट्स में, इंश्योरेंस कंपनी में बहुत ज्यादा यूज होती है। फिर कुछ थ्योरम्स हैं, इसमें एडिशन थ्योरम के मैंने कुछ फॉर्मूले बता दिए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के और नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो सिंपल से आपको प्लस करना है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो वहां पे आपको प्लस करके माइनस भी करना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन। फिर मल्टीप्लाई थ्योरम, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम की बात करें तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट इवेंट्स की बात आएगी। इंडिपेंडेंट इवेंट्स में मैंने बता दिया नॉर्मल करोगे आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। और यहाँ पे बात आएगी इंटरसेक्शन की और इसमें बात आएगी आपकी यूनियन की, ठीक है। फिर यहाँ पे आप फॉर्मूला एक बार देख लीजिएगा। फिर इसे डिपेंडेंट जो प्रोबेबिलिटी है उसे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं, इसके फॉर्मूला यहाँ पे दे दिए हैं आपको। फिर है बेस थ्योरम, बेस थ्योरम में हम लोग क्या कहते हैं, पहली बात तो ये दिया किसने, थॉमस बेस ने दिया, 1763 में दिया, इसे हम लोग थ्योरम ऑफ इनवर्स प्रोबेबिलिटी भी कहते हैं। और इसका अगर हम बात करें फॉर्मूला की, तो फॉर्मूला इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसमें करते क्या है, हमारे पास कुछ पहले से प्रोबेबिलिटी है, उसमें से हमको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं उसे रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद हम लोग क्या करते हैं पोस्टीरियर मतलब बाद वाली प्रोबेबिलिटी को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो याद करने का तरीका अब अभी अभी हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए जी, वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा, अच्छी लगी लाइक करना, नहीं अच्छी लगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिसलाइक करो नो प्रॉब्लम, कमेंट में अपना फीडबैक दोगे जी ऐसा ऐसा पढ़ाया, गंदा पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया तो अच्छा पढ़ाया, कोई प्रॉब्लम नहीं, फीडबैक आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।